झारखंड के संताल आदिवासी अलग तरीके से होली मनाते हैं। होली का यह रूप बाहा कहलाता है। इसमें सारजोम बाहा की महत्ता काफी अधिक होती है। बाहा का शाब्दिक अर्थ फूल होता है। दरअसल इस वक्त प्राकृतिक फूल और वृक्षों के नए पत्तों से अपना श्रृंगार करते हैं और सारजोम ही नहीं मातकोम और पलाश के फूल की मादक खुशबू जब इलाके में बिखरती है और यह फूल लहलहा रहे होते हैं तब यह पर्व मनाया जाता है। हालांकि इस पर्व में सारजोम बाहा की ही महत्व होता है। बाहा पर्व 3 दिनों का होता है। पहले दिन पूजा स्थल जाहेर थान में छावनी बनाते हैं जिसे जाहेर दाप माह कहते हैं। दूसरे दिन को बोंगा माह कहते हैं और तीसरे दिन को शर्दी माह कहते हैं। ग्रामीण गांव के नायकी को उसके आंगन से नाच गान के साथ जाहेर थाने ले जाते हैं। वहां पहुंचने पर नायकी बोंगा दारी सखुआ पेड़ के नीचे पूजा स्थानों का गेह गुरही करते हैं, यानी गोबर और पानी से शुद्धिकरण करते हैं। उसके बाद उसमें सिंदूर काजल आदि लगाया जाता है। बाद में महुआ और सखुआ का फूल चढ़ाते हैं। बाहा पर्व में जाहेर एरा मारांग बुरु मोड़ेकु तुरयकु धोरोम गोसाई आदि ईष्ट देवी देवताओं के नाम पर बलि दी जाती है। नायकी सभी महिलाएं पुरुष और बच्चे भक्तों को सारजोम बाहा देते हैं। फूल ग्रहण करने पर सभी ग्रामीण नायकी को प्रणाम करते हैं जिससे पुरुष भक्त कान में और महिला भक्त बाल में लगाते हैं। इस पर्व पर किए जाने वाले नाच गान के माध्यम से मानव सृष्टि की धार्मिक कथा कही जाती है और टामक तुंदा आदि बजाकर नाच गान किया जाता है। नाच गान और प्रसादी ग्रहण करने के बाद सभी ग्रामीण नायकी को फिर से नाच गान के साथ गांव ले जाते हैं, जहां नायकी गांव के सभी घरों में सारजोम का फूल देते हैं। प्रत्येक घर वाले नायकी के सम्मान में उसका पैर धोते हैं। फूल मिलते ही ग्रामीण एक दूसरे पर सादा पानी का बौछार करते हैं और इसका आनंद लेते हैं। तीसरे और अंतिम दिन को शर्दी माह कहते हैं। इस दिन भी सभी ग्रामीण एक दूसरे पर सादा पानी डालते हैं, नाच गान करते हैं और एक दूसरे के घर जाते हैं और खान पान करते हैं।